नमस्कार दर्शकों, मैं हरमनजीत एक बार फिर आपके पास नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज जो हमारे पास वीडियो है, इसमें दो दोस्त हैं जिनका एक ड्रीम था कि वो कनाडा में इकट्ठे जाएं, और वो जो ड्रीम है वो सक्सेसफुल किया है वेस्टर्न ओवरसीज़ ने। तो मेरे पास दोनों जो कैंडिडेट हैं, एक का नाम है जस्करण मान और एक का नाम है राहुल गोयल, और ये टोहाना से बिलोंग करते हैं जो कि फतेहाबाद के पास एक एरिया है, और फतेहाबाद हिसार के पास एक एरिया है। और इनका ड्रीम था कि दोनों इकट्ठे जाएं और इकट्ठे पढ़ें, तो वो चीज़ हमने पॉसिबल कर दिया कि इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे पढ़ेंगे, बट कॉलेज इकट्ठे जो पढ़ने का इनका ड्रीम था वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो हम दोनों से जानते हैं कि जो इनकी फीलिंग्स है आज की डेट में वीज़ा आने के बाद वो क्या हैं, वो फैमिली के क्या इमोशन हैं और इनके खुद के क्या इमोशन हैं। जस्करण, ओवर टू यू फर्स्ट। सो जब मुझे पता चला कि मेरा आज वीज़ा आ गया, मैं उस टाइम बहुत ही खुश हुआ। इवन कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जब उन्हें पता चला वो भी बहुत सरप्राइज्ड हुए कि मेरा वीज़ा ओनली 3 डेज़ में आया है। तो मैं भी बहुत सरप्राइज्ड था कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, बट ऑल थैंक्स टू वेस्टर्न ओवरसीज़, बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ आई गॉट माई वीज़ा। जस्करण, अगर हम वैसे बात करें, जैसे आप कह रहे थे कि आपको थोड़ा यकीन नहीं था, तो हम प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से आपको लगता था कि आपका वीज़ा नहीं आएगा? सर, मेरी प्रोफाइल में जैसे मैंने प्लस टू में मेरे पास नॉन मेडिकल स्ट्रीम थी, तो इसमें मेरे पास जो मैथ्स थे उसमें मेरे 36 मार्क्स थे, तो इस वजह से मुझे लगता था कि शायद मैं ना जा पाऊँ कनाडा, बट वेस्टर्न ओवरसीज़ की वजह से आज मेरा ये वीज़ा आया है। ऑल थैंक्स टू वेस्टर्न ओवरसीज़। बहुत बहुत बधाई हो जस्करण। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए, मुझे ये पता लगा था कि जैसे आपने अप्लाई किसी और प्रोग्राम के लिए किया था, आपका जो प्रोग्राम है वो कुछ और आया है, तो कहीं मन में ऐसी शंका आ गई थी कि भाई जो ये एक तरह से मेरे साथ कुछ होने वाला है, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, मुझे पहले खुद भी लगता था कि नहीं, शायद नहीं आएगा उस प्रोग्राम में। मैं पहले IT सपोर्ट एंड सर्विसेज में चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मैथ में कम मार्क्स है, शायद मेरा ऑफर लेटर ना आए। पर मेरी सेकंड चॉइस थी कि मेरा बिज़नेस में आ जाए, क्योंकि मुझे इस साइड बहुत इंटरेस्ट है बिज़नेस में, तो फिर इसमें आ गया। तो मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा ऑफर लेटर आ गया इस कोर्स का। सो दर्शकों, आप देख सकते हो कि जस्करण मान जब हमारे पास आए थे, एक ऑप्शन लेके आए थे, और ऑप्शन ये थी कि चलो किसी तरीके से किसी कॉलेज में एक IT प्रोग्राम मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हमने इनको IT सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोग्राम दिया था कॉनेस्टोगा कॉलेज में, बट समहाउ कुछ ज़्यादा अच्छे प्रोफाइल्स उस प्रोग्राम में जाने की वजह से इनको ऑफर लेटर नहीं मिला। तो कॉलेज ने ऑप्शन दी कि आप बिज़नेस प्रोग्राम चूज़ कर लो, और इन्होंने बिज़नेस प्रोग्राम चूज़ किया। और साथ में जो हमारी फाइलिंग टीम है उसका एफर्ट रहा है, हमने एक अच्छी सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगाई कि क्यों इनका जो वो डाइवर्जन है, जो नॉन मेडिकल पढ़ने के बाद बिज़नेस में चला गया, और नॉन मेडिकल पढ़ने के बाद बिज़नेस में वीज़ा आ भी जाता है इजीली, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट समहाउ जब बच्चे का फर्स्ट खुद का एक्सपीरियंस वैसा ना हो कि भाई मैंने जो प्रोग्राम चूज़ किया था वो उस प्रोग्राम के बाद मुझे टोटली एक डिफरेंट सा प्रोग्राम मिल रहा है, तब थोड़ा सा मन में जो अंदर एक डाउट सा रहता है, वो डाउट जो है इनका वीज़ा आने के बाद क्लियर हो गया। और जस्करण का जो ड्रीम था कनाडा में जाके पढ़ने का, वो आज की डेट में सक्सेसफुल हो रहा है कि वो जल्दी ही कनाडा जाके स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं हम राहुल की। राहुल, मेरे ख्याल से जस्करण का पहले वीज़ा आ गया था और दोनों इकट्ठे फ्रेंड्स हैं, तो शायद इनको ये लगता था पता नहीं मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, और जस्करण का वीज़ा आएगा वो चल जाएगा, तो क्या फीलिंग आ रही थी मन में ऐसी? सर, मैं तो बहुत डर गया था एक बार, यार जस्करण का आ गया अभी मेरा वीज़ा आया नहीं, 3-4 दिन वेट किया काफ़ी, बट जब फाइनली वीज़ा आ गया मैं बहुत खुश था, घर वाले तो काफ़ी खुश हो गए, तो लड्डू बांटने लग गए। तो उससे पहले क्या लगता था घर वालों को कि 80% मार्क्स है? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो राहुल का प्रोफाइल है वो थोड़ा सा जस्करण से स्ट्रॉन्ग था। राहुल के 80% मार्क्स हैं, 6.5 नॉट एज एन 6 बैंड, और जस्करण के भी 60% मार्क्स थे प्लस टू नॉन मेडिकल, 6.5 नॉट एज एन 6 बैंड थे। एंड राहुल को फिर भी उसके बाद डाउट था पता नहीं मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बट राहुल ऐसा होता नहीं है, वो तो मतलब बाय लक वाली बात है कि वीज़ा आना नहीं आना, बट आपका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था तो वीज़ा आना पॉसिबल था अभी। और आपने कौन सा कॉलेज और कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट किया? सर, एक्चुअली माई कॉलेज इज़ फ्लेमिंग कॉलेज एंड आई सेलेक्टेड फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। इट्स अ 2 ईयर प्रोग्राम? यस सर, इट्स अ 2 ईयर प्रोग्राम। सो जो प्रोग्राम की रेलेवेंसी बात करें, जैसे जस्करण के मामले में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, बट राहुल का जो प्रोफाइल है उसके बेसिस पे उनका जो प्रोग्राम है बिल्कुल रेलेवेंट है। एंड इन दोनों का जो ड्रीम था कि वो इकट्ठे जाके हम कनाडा में स्टडी करें, वो पॉसिबल है क्योंकि इनटेक तो सेम ही है दोनों का, बट लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट होगी है। जस्करण है वो कॉनेस्टोगा कॉलेज में जाएंगे जो कि किचनर में है, और राहुल जो वो फ्लेमिंग कॉलेज में जाएंगे जो कि पीटर ब्रॉक में है। राहुल, थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जब ये डिसाइड किया कि हमने वेस्टर्न ओवरसीज से फाइल लगानी है, मतलब कोई आपने स्टडी की थी इस चीज़ के ऊपर, या कोई चीज़ आपने कहीं से पूछा था, या किसी ने रेफ़र किया था, क्या मतलब ऐसी सिचुएशन आई थी? सर, मेरे कज़न ने रेफ़र किया था, वो अभी 2-3 ईयर्स हो चुके हैं उसको वैंकूवर साइड गया, तो उन्होंने बताया कि वेस्टर्न ओवरसीज काफ़ी अच्छे हैं, उनसे मैंने ही फाइल अप्लाई करवाई थी, तो जहाँ कज़न वहीं मैं।
और जसकरण सेम स्टोरी क्या है आपकी ऐसी कोई? यस सर, सेम ही है कि मतलब मेरा फ्रेंड जो राहुल था, इसने मुझे गाइड किया कि यहाँ से लगवाते हैं, तो मैंने भी नाम सुना था प्रदीप बलियाल सर का, इंटरव्यूज़ भी देखे थे इनके, तो फिर मैं भी एग्री हो गया कि यहीं से करवाते हैं अपनी फाइलिंग। कोई शंका जब फाइलिंग का प्रोसेस चल रहा हो, कोई शंका आई मन में, कहीं लगा कि पता नहीं ये शायद बात बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसा कोई फीलिंग आई हो? नहीं सर, ऐसी कुछ नहीं फीलिंग थी, बट स्टार्टिंग में थी ऑफर लेटर को लेके, बट उसके बाद कोई भी मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ, मुझे भी नहीं पता लगा कि कब मेरा वीज़ा आ गया इतनी जल्दी। सो दोस्तों, ये दोनों फ्रेंड्स हमारे पास जो कि टोहाना से हैं, जो एरिया पड़ता है फतेहाबाद हिसार के पास, और दोनों का वीज़ा आया कनाडा का, एंड दोनों का ये ड्रीम था इकट्ठे जाके पढ़ेंगे। जो जसकरण इनका वीज़ा है कॉनेस्टोगा कॉलेज में, और जो राहुल इनका वीज़ा है फ्लेमिंग कॉलेज में। राहुल, मैं एक बार आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अपना अपना वीज़ा दिखा दीजिए। सो दोस्तों, आप देख सकते हो इन दोनों फ्रेंड्स का जो ड्रीम था इकट्ठे पढ़ने का, इकट्ठे जाने का कनाडा का, वो आज के डेट में सक्सेसफुल हो गया है। और एक के प्रोफाइल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी और दूसरे के प्रोफाइल में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बट फिर भी फर्स्ट टाइम जब फाइल लगा रहे हो, कि कोई भी फाइल लगा रहा हो अपनी, तो एक बार मन में डर रहता है कि पता नहीं वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बट इनका लक बहुत स्ट्रांग था और शुरू से लक जो है इकट्ठे पढ़ने वाला, जो पढ़ते आए और जो अब आगे जाके पढ़ना है, वो फेवर किया गॉड ने और जो ड्रीम है वो सक्सेसफुल हुआ। जसकरण एंड राहुल, आप दोनों को वेस्टर्न ओवरसीज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको ये गाइड करता रहूँगा, सजेस्ट करता रहूँगा, जो प्रोफाइल जिनमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, हम उनकी वीडियोस हमेशा अपलोड करते हैं और उससे बाकियों को भी गाइडेंस मिलती है कि किस तरह के प्रोग्राम में, किस तरह के कॉलेज में, किस तरह के लोकेशन में जो है उनका वीज़ा आ सकता है। एक नई वीडियो लेके फिर दोबारा जल्दी से मैं आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।